सोशल मीडिया यूजर्स राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने के कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रेड कार्पेट पर चल रहे थे और राष्ट्रपति कोविंद को नीचे चलना पड़ रहा था। लोगों के मुताबिक यहां राष्ट्रपति का अपमान हुआ था। सोशल मीडिया पर भारी संख्या में ऐसे पोस्ट देखने को मिले। 24 फरवरी 2021 को डीडी न्यूज ने नए बने स्टेडियम के उद्घाटन के पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया था। यह वीडियो 1 घंटा 41 मिनट से ज्यादा लंबा है और राष्ट्रपति के पहुंचने से लेकर उनके और गृह मंत्री के भाषण तक पूरा कार्यक्रम यहां देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि भूमि पूजन के बाद जब राष्ट्रपति और गृह मंत्री एक साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे तो दोनों ही इस रेड कार्पेट पर थे और कुछ सेकेंड्स के लिए राष्ट्रपति नीचे उतर गए। इस पूरी सेरेमनी के एक छोटे से मौके का स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है और उसे यूं पेश किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद का अपमान किया गया।